दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ओजा एस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एस्ट्रो सेज ऐप अपने इस ऐप का यूज कैसे किया जाए, एंड्रॉयड में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो और केपी आप मैं समझता हूं कि अच्छे भली भांति आप इसको जानते होंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी केपी चार्ट क्या है और केपी कस्प चार्ट को कैसे इसमें निकाला जाता है एस्ट्रो सेज ऐप में। तो किसी ने अभी क्वेश्चन किया था मेरी पिछली वाली वीडियो पे कि जो सब लोड है उसका नक्षत्र लोड कहाँ से चेक करेंगे, तो ये एक डाउट बना हुआ है। तो इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। जो मेरा मेन जो एम है आज, तो मैं आपको समझा दूँ कि जो सब लोड होता है उसको कहाँ से चेक करना होता है। इसको आगे की तरफ जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आते हैं प्लेनेट। आपने यहाँ पे नहीं कुछ अभी चेक करना है, मैं बताऊंगा आपने कहाँ पे जाके इस चीज को देखना है। और कोई प्लेनेट है किसी कस्प का जो सब लोड है उसका जो नक्षत्र लोड है वो आपने कैसे लेना है, कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे चेक करना है एस्ट्रो सेज एप्लीकेशन पर। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि आपके साथ साथ और दूसरों को भी चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करने का तरीका आ जाए आइडिया। यहाँ पे आता है भाव संधि, जहाँ पे भाव संधि लिखा हुआ है ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा दूं, ये जो भाव संधि है यहाँ पे जो ये लिखा होता है भाव संधि, तो इसमें आपके फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ हाउस तक का कस्प जो निकल के आ जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ जो ये सब लोड वाली जो लाइन है जहाँ पे स लिखा हुआ है, अगर हिंदी में यूज करते हो तो स लिखा आएगा और अदरवाइज आपका एस एल वहां पे लिखा आएगा। तो आपने इस लाइन को जब प्रेडिक्शन बेस हम करते हैं तो ये लाइन आपने उठानी होती है, इस लाइन को आपने काउंट करना होता है। जैसे आपका ये कस्प चार्ट निकल के आता है बड़ा ही इजीली हो जाता है। इसको आपने एनालिसिस करना हो किस तरीके से करना है, जहां पे ये स लिखा हुआ है यानी कि सब लोड किसी भी हाउस का, जब हम सब लोड लेते हैं तो इसको यहाँ से चेक करते हैं। जहाँ पे अगर आप इंग्लिश में यूज करते हो इसके लिए आप राइट साइड में अपर कॉर्नर में ये थ्री डॉट जैसे है, तो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें भी मैं करके अभी बता देता हूँ। थ्री डॉट पे जाएंगे तो भाषा बदले, इसको हम इंग्लिश में भी कर देंगे और यहाँ से ओके का बटन दबा देंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से निकल के आता है फिर हमारा कुंडली चार्ट। आप किसी का भी कुंडली चार्ट अभी जस्ट मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो मैन जो एम है वो ये है कि आपको इसमें सब लोड कैसे निकालने वो समझाना। ठीक है, तो गेट हॉरोस्कोप पे आप प्लेस वगैरह जो भी अपने तरीके से डाल सकते हो, अगर आपको अपनी कुंडली चार्ट अगर ओपन करना है तब, तो गेट हॉरोस्कोप पे जाएंगे। ठीक है तो आपने क्या करना है, इसके बाद जब ये चार्ट ओपन हो जाए तो आपने जो अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे थ्री डॉट आते हैं इस पे आपने क्लिक करना है और केपी सिस्टम जो आपको ये मैं आपको दिखा दूं, जो केपी सिस्टम जहाँ पे लिखा हुआ है ये केपी सिस्टम है, आपने क्या करना है, आपने इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है ऐसे। ठीक है, तो आपका केपी चार्ट निकल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है और राशि चार्ट आएगा, फिर प्लेनेट्स आएंगे, फिर उसके बाद कस्प आता है। कस्प क्या होता है, ये कस्प चार्ट है आपका। ठीक है जी, ये कस्प चार्ट है, यहाँ से आपने एनालिसिस करना है जहाँ पे एस बी लिखा हुआ है, ये आपका सब लोड है, ये आपका सब लोड वाली जो है लाइन है फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ हाउस तक जो आपके दिए गए हैं ये उसका सब लोड है। अब ये एस एल क्या होता है, ये साइन लोड होता है, एस एल जो होता है ये इसमें साइन लोड को दिखाता है, आर एल भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कस्प का जो नक्षत्र लोड है ये उसको सिग्निफाई करता है, एन एल नक्षत्र लोड। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं चेक करना, अभी आपने ये लेना कि किसी का भी आपने देखना कि फर्स्ट हाउस का कौन सा सब लोड है, तो आपने इस चीज को यहाँ पे हुआ जैसे कि सन, आपने सन को लेना है और फिर आपने जो है प्लेनेट पे चले जाना है। पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये आ जाता है प्लेनेट, यहाँ पे ये है प्लेनेट। अब प्लेनेट में आएंगे तो सन हमने यहाँ पे चेक करना है, सन ये रहा और सन किसके नक्षत्र में है, सन हुआ अपने ही नक्षत्र में, खुद के ही नक्षत्र में प्लेनेट है। ठीक है जी, यानी कि सूर्य खुद के ही रिजल्ट यहाँ पे ऑफर कर रहा है। तो यहाँ और भी कोई प्लेनेट हो सकता था, जुपिटर भी हो सकता था, सैटर्न भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, वो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये एनएल है तो यहाँ से ऐसे चेक किया जाता कि कौन सा सब लोड किस नक्षत्र में प्लेनेट है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तब भी, और अगर नहीं आया है तब भी। अगर आपका और भी कोई डाउट है, अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।